वह बैठे लोग, वह खाली जगह और मैं, सब एक ही सफर में हैं। इस सफर का नाम सिफर रखा है मिलके हमने। और इस सफर के साथ ग्लेयर आइकॉनिक के आर्ट गैलरी में एक और अदाकारा ने अपना नाम शामिल कर लिया है, और ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि टीवी की बालिका वधु यानी कि अविका गौर हैं। वही अविका जिनका बचपन बालिका वधु के किरदार के साथ बड़ा हुआ है, और अब जवान होकर भी वो पर्दे से दूर नहीं है। और अब बचपन से जवानी के सफर के बाद एक्ट्रेस चुपचाप एक ऐसे सफर की कहानी कह रही है जिसकी मंजिल का कोई पता नहीं है। पिंक सिंपल साड़ी पहने और हाथों में जिम्मेदारी का एक बैग लिए अविका ट्रेन का इंतजार कर रही है। इस इंतजार में कभी वो बेंच पर बैठकर पटरियों को कुछ यूं तकती हैं जैसे इन पटरियों से होकर उनका कुछ खास लिए कोई ट्रेन गुजरी हो, और फिर इन सब बातों से अपना ध्यान हटाकर रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल होने की कोशिश करती हैं। इतने इंतजार के बाद ट्रेन का आना उनको खुश नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि सफर ये अकेले का है, और इस सफर में कहीं ना कहीं अगर कोई है भी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इस सफर का नाम सिफर है। सिफर यानी कि शून्य। शून्य से याद आया, कहीं मैं और तुम शून्य में तो नहीं जी रहे? और जो अगर जी रहे हैं तो ये जीना भी क्या जीना है जहाँ सफर ही सफर है। वो मंजिल कहाँ है जिसने तुम्हें और मुझे छीना है? ये लोग जो ट्रेन में साथ हैं, ये सब भी सफर कर रहे हैं ना, लेकिन अपनी अपनी जिंदगी के साथ। उफ़, ये सारी बातें भी कितनी फिजूल हो गई है ना। अब खैर छोड़ो, वो स्टेशन तो आने ही वाला होगा जहाँ हर रोज उतरने के बाद भी सफर में रहती हूँ, एक ऐसे सफर में जिसका नाम सिफर रखा है हमने। बताया था ना, सिफर यानी कि शून्य।